दक्षिणी हरियाणा में अब चुनावी माहौल गर्म होने लगा है। हालांकि चुनाव को लेकर काफी समय बाकी है। अब से पूर्व महेंद्रगढ़ जिले में हरियाणा के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के दौरे हो चुके हैं और अब जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने आज नागर चौधरी हलके के 10 से अधिक गांवों का दौरा किया और साफ तौर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा के साथ जेजेपी का समझौता हो या न हो, लेकिन भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर जेजेपी के डॉक्टर अजय सिंह चौटाला चुनाव लड़ेंगे। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने आज नारनौल में साफ तौर पर कहा है कि जेजेपी के साथ भाजपा का समझौता हो या ना हो, लेकिन भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला लोकसभा के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दक्षिणी हरियाणा में जेजेपी मजबूती की ओर बढ़ रही है, लोगों का रुझान जेजेपी की ओर है। अगर भाजपा के साथ समझौता होता है तो ऐसी स्थिति में भी जेजेपी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की उम्मीदवारी पर अपना दावा रखेगी। आज दिग्विजय सिंह चौटाला नागल चौधरी हलके के 10 से अधिक गांवों के दौरे करने के बाद नारनौल में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के साथ उनकी पार्टी का समझौता होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन ये क्लियर है कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर जेजेपी से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने आज अनेक गांवों के दौरे किए हैं और इन दौरों के दौरान लोगों ने जेजेपी को भारी समर्थन दिया है। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि आज हम सरकार में कम मेजॉरिटी के साथ में हैं। अगर आने वाले चुनाव में हमारी ज्यादा सीटें आती हैं तो हम लोगों की सेवा और बेहतर कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों को लेकर जेजेपी ने एक कार्यक्रम बनाया है जिसके तहत डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला व पार्टी के अन्य नेता दौरा कर लोगों से मुलाकात करेंगे और जनसभाएं भी की जाएंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति में हरियाणा में जेजेपी व भाजपा की सरकार मजबूती के साथ काम कर रही है। आज लोगों से मुलाकात की और जो लोगों की मांगे थी उन्हें वे दुष्यंत चौटाला के सामने रखेंगे ताकि उनका समाधान करवाया जा सके। आज आपके जिले के नांगल चौधरी हलके के कार्यक्रम थे, लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा गांवों की जनसभाएं थी। अभी इसके पश्चात भी एक दो जनसभाएं बाकी हैं। बहुत ज़्यादा उत्साह पार्टी को लेकर के, आपने पीछे देखा दुष्यंत जी जब आए तो शहर में उनकी गतिविधि, क्योंकि जननायक जनता पार्टी को सामान्य तौर पर गांव की पार्टी के तौर पर देखा जाता है, ऐसे में दुष्यंत जी के शहरों में इतने कामयाब कार्यक्रम और लोगों की जो उनसे अपेक्षा थी उस पर खरा उतरना, उनकी कार्यशैली से लोगों का प्रभावित होना, और आज जब हम ग्रामीण अंचल यानी नांगल चौधरी के अंदर थे तो जिस हिसाब की संख्या में लोग निकल करके आए हैं, ये दर्शाता है कि जननायक जनता पार्टी बहुत बड़ी ताकत बन करके इस दक्षिणी हरियाणा के अंतिम छोर में उभर रही है। उनके जो कोई काम है जो हम गांव के स्तर पर निपटा पाए, कहीं कोई वीडियो लेवल के स्तर के काम थे उनको दूर किया, कहीं कोई पानी की समस्या थी, निकासी की थी, वो तमाम निपटवाई, जहां कहीं कोई PWD की सड़कें बननी है दुष्यंत जी के संज्ञान में डालेंगे, कहीं कोई कम्युनिटी सेंटर बनने हैं वो उनके संज्ञान में डालेंगे। पार्टी की तरफ से आज लगभग 10-12 गाँव में हमने जिम भी वितरित किए हैं जिससे नौजवान जो हैं वो अपने उसमें आगे बढ़ सकें। तो जो जो मुद्दे थे आज उनको ज़्यादातर उनको निपटाया गया और कुछ ऐसे हैं जो दुष्यंत जी के मार्फिक होने हैं उन तक ले जाएंगे। हमारा पहला लक्ष्य यही है, आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा का चुनाव होना है और लोकसभा के चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की कर्मस्थली रही है। ऐसे में इस सीट पर पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़े, ना केवल लड़े बल्कि देश के सबसे पवित्र और सबसे बड़े राजनीतिक मंदिर में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट का जो हिस्सा है वो जेजेपी के हिस्से आए, और जैसा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का लगाव रहा इस क्षेत्र के लोगों से तो उन्हें दोबारा इस क्षेत्र के सेवा का अवसर मिले, और होनी भी नहीं चाहिए। अगर किसी को कोई मानता है, अगर समझौता होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट ही महेंद्रगढ़ और भिवानी की सीट, मैं तो बड़ा हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ना तो इस बात को तय करने वाला या फैसला करने वाला, मगर आपने कह ही दिया कि समझौता हो गया, उस सिचुएशन में मैं मानता हूँ कि फिर इस सीट पे तो किसी का दावा बनता ही नहीं, तो निश्चित तौर पर जननायक जनता पार्टी और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की सीट है। इसके अलावा हरियाणा में कहाँ पे मेरी हैसियत नहीं, फिर मैं वही कह रहा हूँ, मगर ये तय है
कि आने वाला जो कल है उसमें मैं ये परिदृश्य देखता हूँ, कल्पना जब करता हूँ राजनीतिक उसकी, तो मैं देखता हूँ कि इस सीट पे चाहे विधानसभा की हो जहाँ बैठे हैं, ये भी नांगल चौधरी भी, सारे क्षेत्र में जेजेपी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और जीत रही है, मैं देखता हूँ ऐसा। स्याही ज़्यादा और दबाव में तो उसके लिए क्या प्रयास? उसी स्याही ज़्यादा भरने के लिए तो ये कर रहे हैं प्रयास सारा।